टारगेट 61 श्लोक नंबर 2 देहोयम साधनम मुक्तेर न भोगमात्र साधनम दुर्लभो नश्वरश्चायम वारं वारं न लभ्यते। श्लोक नंबर 4 नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्थितेरवाप्तये कर्तुं भगवतो भक्तिम् अस्य देहस्य लम्बनम्। श्लोक नंबर 5 सर्वमिदं हि सत्संगाल् लभ्यते निश्चितं जनैः अतः सदैव सत्संगः करणीयो मुमुक्षुभिः। श्लोक नंबर 31 चौर्यं न कर्हि चित्कार्यं सत्संगमाश्रितैर्जनैः धर्मार्थमपि नो कार्यं चोरकार्यं तु कर्हि चित्। श्लोक नंबर 33 मनुष्याणां पशूनां वा मत्कुणादेश्च पक्षिणां केषाञ्चित् जीवजन्तूनां हिंसा कार्या न कर्हि चित्। श्लोक नंबर 34 अहिंसा परमो धर्मो हिंसा त्वधर्मरूपिणी श्रुतिस्मृत्यादिशास्त्रेषु स्फुटमेवं प्रकीर्तितम्। श्लोक नंबर 40 मनसा वचसा वापि कर्मणा हिंसने कृते तत्स्थितो दुख्यते नूनं स्वामी नारायणो हरिः। श्लोक नंबर 44 भगवान् सर्वकर्तास्ति दयालुः सर्वरक्षकः स एव नाशकः सर्व संकटानां सदा मम। श्लोक नंबर 45 भगवान् कुरुते यद्धि हितार्थमेव तत्सदा प्रारब्धं मे तदिच्छैव स एव तारको मम। श्लोक नंबर 50 शुद्धिः सर्वविधा पाल्या बाह्या चाभ्यन्तरा सदा शुद्धिप्रियः प्रसीदेच्च शुद्धिमति जने हरिः। श्लोक नंबर 76 भोज्यं नैव न पेयं वा विना पूजां जलादिकं प्रवासगमने चापि पूजां नैव परित्यजेत्। श्लोक नंबर 86 सम्भूय प्रत्यहं कार्या गृहसभा गृहस्थितैः कर्तव्यं भजनं गोष्ठिः शास्त्रपाठादि तत्र च। श्लोक नंबर 93 प्रातः सायं यथा कालं सर्वसत्सङ्गिभिर्जनैः निकटं मन्दिरं गम्यं भक्त्या दर्शाय प्रत्यहम्।
श्लोक नंबर 100। एक एवेष्ट देवो नः एक एव गुरुस्तथा एकश्चैवापि सिद्धान्त एवं नः एकता सदा। श्लोक नंबर 106। सर्वकर्ता च साकारः सर्वोपरि सदा हरिः मुमुक्षूणां विमोक्षाय प्रकटो वर्तते सदा। श्लोक नंबर 108। प्रीतिः कार्यात्मबुद्धिश्च ब्रह्माक्षरे गुरौ दृढा प्रत्यक्ष भगवद्भावात् सेव्यो ध्येयः स भक्तितः। श्लोक नंबर 115। सिद्धान्तं परमं दिव्यं एतादृशं विचिन्तयन् सत्संगं निष्ठया कुर्याद् आनन्दोत्साहपूर्वकम्। श्लोक नंबर 116। निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रय विलक्षणं विभाव्योपासनं कार्यं सदैव परब्रह्मणः। श्लोक नंबर 121। लज्जा भयापद्भ्यः सत्संगं न परित्यजेत् स्वामिनारायणं देवं तद्भक्तिं कर्हि चिद्गुरुम्। श्लोक नंबर 122। सेवा हरेश्च भक्तानां कर्तव्या शुद्ध भावतः महद्भाग्यं ममास्तीति मत्वा स्वमोक्षहेतुना। श्लोक नंबर 123। नेयो न व्यर्थतां कालः सत्संगं भजनं विना आलस्यं च प्रमादादि परित्याज्यं हि सर्वदा। श्लोक नंबर 124। कुर्याद्धि भजनं कुर्वन् क्रिया आज्ञानुसारतः क्रियाबन्धः क्रियाभारः क्रियामानस्ततो नहि। श्लोक नंबर 128। अहो इहैव नः प्राप्ता वक्षर पुरुषोत्तमौ तत्प्राप्ति गौरवान्नित्यं सत्संगानन्दमाप्नुयात्। श्लोक नंबर 136। ब्रह्मगुणसमावाप्त्यै परब्रह्मानुभूतये ब्रह्मगुरोः प्रसंगानां कर्तव्यं मननं सदा। श्लोक नंबर 139। वार्ता कार्या महिम्नो हि ब्रह्म परम ब्रह्मणोः तत्संबंधवतां चापि सस्नेहमादरात् सदा। श्लोक नंबर 140। सत्संगिषु सुहृद्भावो दिव्य भावस्तथैव च अक्षर ब्रह्म भावश्च विधातव्यो मुमुक्षुणा। श्लोक नंबर 143। आज्ञां भगवतो नित्यं
ब्रह्म गुरुश्च पादये ज्ञात्वा तदनुवृत्तिं च तामेवानुसरे दृढम्। श्लोक नंबर 144। तदाज्ञां पालयेत् सद्य आलस्यादि विहाय च सानन्दोत्साह माहात्म्यं तत्प्रसाद धिया सदा। श्लोक नंबर 152। भूतं यच्च भवद्यच्च यदेवाग्रे भविष्यति सर्वं तन्मे हितायैव स्वामी नारायणेच्छया। श्लोक नंबर 153। प्रार्थनं प्रत्यहं कुर्याद् विश्वास भक्ति भावतः गुरुर्ब्रह्म स्वरूपस्य स्वामी नारायण प्रभोः। श्लोक नंबर 160। सदैवादरणीया हि विद्वद्वरिष्ठ शिक्षकाः यथाशक्ति च सत्कार्यः साधुवादादि कर्मणा। श्लोक नंबर 163। न वदेत् कुत्सितां वाचम् अपशब्द कलंकितां श्रोत्रदुःखकरीं निंद्यां कठोरां द्वेषगर्भिणीं। श्लोक नंबर 164। असत्यं न वदेत् क्वापि वदेत् सत्यं हितावहं सत्यमपि वदेन्नैव यत्स्यादन्याहितावहम्। श्लोक नंबर 170। विवादः कलहो वापि नैव कार्यः कदाचन वर्तितव्यं विवेकेन रक्ष्या शान्तिश्च सर्वदा। श्लोक नंबर 172। सेवां मातुः पितुः कुर्याद् गृहे सत्संगमाश्रितः प्रतिदिनं नमस्कारं तत्पादेषु निवेदये। श्लोक नंबर 175। गृहे हि मधुरां वाणीं वदेद् वाचं त्यजेत् कटुं कमपि पीडितं नैव प्रकुर्याद् मलिनाशयात्। श्लोक नंबर 185। अश्लीलं यत्र दृश्यं स्याद् धर्मसंस्कारनाशकं नाटकचलचित्रादि तन्न पश्येत् कदाचन। श्लोक नंबर 200। नैव विश्वासघातं हि कुर्यात् सत्संगमाश्रितः पालयेद् वचनं दत्तं प्रतिज्ञातं न लङ्घयेत्। श्लोक नंबर 205। विद्याधनादिकं प्राप्तुं देशांतरं गतेऽपि च सत्संगमादरात् तत्र कुर्यान्नियमपालनम्। श्लोक नंबर 209। कार्यं बालैश्च बालाभिर् बाल्याद् विद्याभिप्रापणं दुराचारः कुसंगश्च त्याज्यानि व्यसनानि च।
श्लोक नंबर 210। उत्साहाद् आदरात् कुर्यात् स्वाभ्यासं स्थिरचेतसा, व्यर्थतां न नयेत् कालं विद्यार्थी व्यर्थकर्मसु। श्लोक नंबर 211। बाल्यादेव दृढीकुर्यात् सेवा विनम्रतादिकं, निर्बलतां भयं चापि नैव गच्छेत् कदाचन। श्लोक नंबर 212। बाल्यादेव हि सत्संगं कुर्याद् भक्तिं च प्रार्थनां, कार्या प्रतिदिनं पूजा पित्रोः पंचांग वंदना। श्लोक नंबर 213। विशेष संयमः पाल्यः कौमार्ये यौवने तथा, अयोग्य स्पर्श दृश्याद्यास् त्याज्यः शक्ति विनाशकाः। श्लोक नंबर 214। सत्फलोन्नायकं कुर्याद् उचितमेव साहसं, न कुर्यात् केवलं यद्धि स्वमनोलोकरंजकम्। श्लोक नंबर 215। नियतोद्यम कर्तव्ये नालस्यम् आप्नुयात् क्वचित्, श्रद्धां प्रीतिं हरौ कुर्यात् पूजां सत्संगमन्वहम्। श्लोक नंबर 216। संगोत्र बलवान् लोके यथा संगम हि जीवनम्, सतां संगम अतः कुर्यात् कुसंगम सर्वथा त्यजेत्। श्लोक नंबर 224। सत्संगेपि कुसंगो यो ज्ञेयः सोऽपि मुमुक्षुभिः, तत्संगश्च न कर्तव्यो हरिभक्तैः कदाचन। श्लोक नंबर 236। स्वामी वार्ताः पठेन्नित्यं तथैव वचनामृतं, गुणातीत गुरुणां च चरितं भावतः पठेत्। श्लोक नंबर 240। स्वामी नारायणे भक्तिं परां दृढयितुं हृदि, गुरु हरेः समादेशात् चातुर्मास्ये व्रतं चरेत्। श्लोक नंबर 252। परिरक्षे दृढां निष्ठां अक्षर पुरुषोत्तमे, तथापि नैव कर्तव्यं देवतांतर निंदनम्। श्लोक नंबर 255। संयमनोपवासादि यद्यत् तपः समाचरेत्, प्रसादाय हरेस्तत्तु भक्त्यर्थमेव केवलम्। श्लोक नंबर 256। एकादश्या व्रतं नित्यं कर्तव्यं परमादरात्, तद्दिने नैव भोक्तव्यं निषिद्धं वस्तु कर्हि चित्। श्लोक नंबर 272। सत्संगरीतिमाश्रित्य गुर्वादेशानुसारतः
परिशुद्धेन भावेन सर्वै सत्संगी बीरजनै। श्लोक नंबर 273। देशं कालम अवस्थां च स्वशक्तिमनुसृत्य च आचारो व्यवहारश्च प्रायश्चित्तं विधीयताम्। श्लोक नंबर 274। जीवनम उन्नतिम याति धर्म नियम पालनात् अन्यश्चापि सदाचार पालने प्रेरितो भवेत्। श्लोक नंबर 276। शुभाशुभ प्रसंगेषु महिमा सहितं जनः पवित्रां सहजानंद नामावलिं पठेत् तथा। श्लोक नंबर 278। अयोग्य विषयाश्चैवं अयोग्य व्यसनानि च आशंकाः संपरित्याज्यः सत्संगमाश्रितै सदा। श्लोक नंबर 280। विपत्तिषु धरेत् धैर्यं प्रार्थनं यत्नमाचरेत् भजेत दृढविश्वासं अक्षरपुरुषोत्तमे। श्लोक नंबर 293। एतत् सत्संग दीक्षेति शास्त्रस्य प्रतिवासरम् कार्यः सत्संगिभिः पाठ एकाग्रचेतसा जनैः। श्लोक नंबर 294। पठने चासमर्थैस्तु श्रव्यं तत्प्रीतिपूर्वकम् आचरितुं च कर्तव्यः प्रयत्नः श्रद्धया तथा। आ वीडियो ने लाइक अने शेयर करवानू न भूलता अने कमेंट तो अवश्य करशो। चैनल ने सब्सक्राइब करवानू न भूलता। जय स्वामी नारायण।